नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस के समारोह के साथ ही भारत में इंडो आसियान सम्मेलन हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी के बुलावे पर आसियान सम्मेलन में भाग लेने ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया दिल्ली तक अपने खास विमान में आए। जब ब्रुनेई के सुल्तान का विमान दिल्ली में उतरा तो उनका स्वागत करने पहुंचे भारतीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और वरिष्ठ अधिकारी भी चौंक गए। बता दें कि ब्रुनेई से दिल्ली तक हवाई मार्ग की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत आज रिलीज हो चुकी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा में सिनेमा घरों के मालिकों ने डर से इस फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया। वहीं सूरत, अहमदाबाद से लेकर बिहार, गुरुग्राम, नोएडा और मुंबई सहित कई बड़े शहरों में करणी सेना ने इस फिल्म को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो जेपी निराला को सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित करेंगे। शहीद गरुड़ कमांडो जेपी निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाएगी। बता दें कि गरुड़ कमांडो 3 महीने पहले ही आतंक रोधी अभियान के तहत स्पेशल ड्यूटी पर कश्मीर के हाजिन में सेना के साथ तैनात हुए थे। फिल्म पद्मावत के विरोध में करणी सेना ने देश भर में हिंसक प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में गुरुग्राम में कुछ उपद्रवियों ने एक स्कूल बस पर हमला बोल दिया। जीडी गोयनका स्कूल की बस पर उपद्रवियों ने जब पथराव किया तब उसमें बच्चे भी मौजूद थे। हमला होते ही टीचर्स ने बच्चों को नीचे बैठने को कहा। हमले से बच्चे बेहद डर गए थे, वो रोने लगे और बचाने की गुहार लगाते हुए छिप गए। फिल्म पद्मावत के विरोध में करणी सेना की तरफ से गुरुग्राम में एक नामी स्कूल की बस पर हमले की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निंदा की है। राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी घृणा और हिंसा का उपयोग कर देश में आग लगा रही है। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत पर हुए हंगामे और आगजनी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करणी सेना पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि करणी सेना ने जिस तरह से गुरुग्राम में छात्रों की बस को निशाना बनाया वे निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हमले वाले वीडियो को देखकर मैं रात भर सो नहीं सका। दिल्ली में इबास के सामने एक स्कूल बस में दो हमलावरों ने ड्राइवर को गोली मारी और एक बच्चे को किडनैप करके ले गए। जिस बच्चे को किडनैप किया गया है वो शाहदरा का रहने वाला है और पहली कक्षा में पढ़ता है। जब बच्चे को किडनैप किया गया था उस वक्त बस में करीब 20 से 22 बच्चे सवार थे और स्कूल के लिए जा रहे थे। ये वारदात दिलशाद गार्डन इलाके की है। सेना ने सोवियत संघ के समय का T-55 जंगी टैंक आजम खां के विश्वविद्यालय को तोहफे में दिया है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस टैंक को प्रदर्शित किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत आती है जिसे खान का परिवार चलाता है। बता दें कि पिछले साल आजम खान ने सेनाध्यक्ष बिपिन रावत से जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक जंगी टैंक मांगा था। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भाजपा को मरा हुआ हाथी की संज्ञा दी है। उन्होंने दावा किया है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में आरजेडी और भी मजबूत हुआ है। दल की यही मजबूती बिहार के सीएम से लेकर देश के पीएम तक को हटाकर दम लेगी। आरजेडी ने नरेंद्र मोदी हटाओ भाजपा बचाओ का नारा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक और चारा घोटाले मामले में सजा सुनाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सत्ता मिलने के बाद कुछ लोग आदतन धनार्जन और ताकत अर्जित करते हैं। साथ ही कहा कि जनता मौका देती है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। कर्नाटक में महादायी नदी विवाद पर आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया। महादायी नदी पर पानी की शेयरिंग को लेकर गोवा के साथ विवाद के चलते कर्नाटक में 12 घंटे का बंद बुलाया गया। इसमें कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु में टाउन हॉल के बाहर खड़े होकर गोवा के जल मंत्री विनोद पालियंसर के पुतले फूंके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की शिकायत दूर कर दी है। पूर्व सीएम मांझी काफी दिनों से सरकारी गाड़ी खराब होने की शिकायत कर रहे थे। आज जब वे सीएम नीतीश से मुलाकात करने पहुंचे तो नीतीश ने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर दी। वहीं मांझी ने नीतीश का धन्यवाद किया। गुजरात के ड्राइवर सलीम गफूर शेख को भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पिछले साल जुलाई में अमरनाथ जा रहे 52 यात्रियों की आतंकियों से जान बचाई थी। उनकी इस अद्भुत वीरता और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हें उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नागरिकों को दिया जाने वाला दूसरा सम्मान है।
मेरठ में मां बेटे की नृशंस हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बेटे की गोली मारकर हत्या करने के बाद बदमाशों ने खाट पर लेटी वृद्ध महिला पर ताबड़तोड़ 9 गोलियां बरसा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सनसनीखेज हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सीसीटीवी में वृद्ध महिला पर एक के बाद एक गोली मारने का फुटेज कैद हो गया है। मामला परतापुर क्षेत्र के सौरखा गाँव का है। साहित्य जगत का कुंभ कहे जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 11वां संस्करण आज से 29 जनवरी तक जयपुर के दिग्गी पैलेस होटल में चलेगा। इस साल इस महोत्सव में लगभग 35 देशों से 350 से भी अधिक लेखक, चिंतक, राजनेता, पत्रकार, सिनेमा और कला व संस्कृति जगत से लोग भाग ले रहे हैं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।